इधर मौजूद है लखनऊ के चिनट बाजार के विधायक चौराहे पे। ये मार्केट जरूर छोटी है लेकिन यहाँ की परेशानियाँ बहुत बड़ी है। काफ़ी पुराना बाजार है ये, लोगों को आए दिन अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर समय यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। चौराहा है जहाँ पर चारों तरफ अलग अलग जगहों से गाड़ियाँ आती हैं, अलग अलग परेशानियाँ होती हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है, ना ही यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बातचीत करेंगे, यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करके जानेंगे कि उनको आए दिन किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ चिनेट में इतनी बड़ी बाजार है, चारों तरफ से चौराहे पर ट्रैफिक आती है। आए दिन हम लोग थाने पर जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि चौराहे पर ट्रैफिक लगाई जाए। ट्रैफिक एक दिन लगा दी जाती है, उसके बाद हटा दिया जाता है। जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। इस संबंध में अभी ज्वाइंट कमिश्नर अरोड़ा साहब आए थे, हम लोग उनसे भी मिले, अपनी बात रखी कि इस चौराहे पर जाम को हटाया जाए, तब भी कोई समस्या नहीं। एक दिन पुलिस लगती है, दूसरे दिन गायब हो जाती है। इस संबंध में और इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है कि अपनी गाड़ी आदमी खड़ी करके बाजार को कर सके। और खैर सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गए, मगर इस तरह की और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वगैरह और मल्टीमीडिया स्टोरियों का विकास होता रहा, बाजार के बारे में कोई कुछ नहीं। आए दिन महंगाई आप देख ही रही हैं, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच रहा है, है ना, और गैस। इस संबंध में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इस बात पर ध्यान दें। और हमारा जो चिन्हट तिराहा है, यहाँ पर एक बूथ लगा हुआ है, पुलिस का बूथ है, हम लोग उसके बारे में भी बात उठा चुके हैं कि इसको किनारे करवा दिया है, उससे आने वाला ट्रैफिक का आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है। इस संबंध में अपनी बात मैं रखता हूँ। मैं इसके बारे में यहाँ के प्रशासन को और शासन को दोनों को अवगत आपके माध्यम से कराना चाहता हूँ। ये चिन्हट बाज़ार हमारे पुरातन के और ऐतिहासिक बाज़ार है। यहाँ अंग्रेज़ों के जमाने में चना की हाट लगती थी, जिसके नाम पर यह चिन्हट पड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक चिन्हट है, जो इतिहास में ये दर्ज है चिन्हट का। आज इतिहास चिन्हट के सारे व्यापारी अपने जो है अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि चिन्हट तो हज़ार गुना बढ़ गया है, रोडें वही पुरानी सकरी हैं, व्यवस्थाएं इस तरह की विकट हैं कि मटियारी चौराहे से और चिन्हट तिराहे से लोग शॉर्टकट मारने में फैजाबाद रोड के जाए गोमती नगर के लोग बड़े बड़े वाहन लेके बाज़ार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो बड़े वाहनों के अचानक बहुत सारे प्रवेश के कारण यहाँ बहुत बड़ा जाम लग जाता है, जिससे कि यहाँ का व्यापार बिल्कुल समझ लीजिए कि नील हो रहा है। यहाँ के व्यापारी अपनी किस्मत को जो है रो रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा जाम लगता है, जब कोई भी ग्राहक चारों तरफ से आता है, अगर यहाँ आके एक बार फंस जाता है तो गंगा मैया की कसम खा लेता है कि मैं सब कहूँ तो सब कहीं जाऊँगा लेकिन चिन्हट बाजार नहीं जाऊँगा। उसका हम लोगों को प्रतिफल ये मिल रहा है कि हमारा जो व्यापार है बिल्कुल ध्वस्त है। हम लोग महंगाई देखिए कहाँ चरम सीमा पड़ रही है, सरकार क्या कर रही है, रसोई गैस रोज 25 रुपए सिलेंडर, कल भी महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल की दामें ऊपर बढ़ रही हैं, कमाई हम लोगों की घट रही है, उल्टा हो रहा। जबकि एक ज़माने में ऐसा था जो चिन्हट बाजार में लोग ज़मीन खरीदने के लिए दुकान खोलने के लिए आतुर रहते थे, क्योंकि यहाँ पर व्यापार था, यहाँ पर कमाई थी। आज हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से बात यहाँ के शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि इसकी समस्या का निराकरण हो सकता है। ये वहाँ पे ट्रैफिक लगा दें चिन्हट तिराहे पे, चिन्हट तिराहे की भारी वाहन यहाँ प्रवेश ना करें बाजार के टाइम पे, जैसे नो एंट्री होती है वैसे ही नो एंट्री। आप ट्रैक्टर टाली लेके बाहर से निकलिए, यहाँ लोग सीमेंट मोरंग डाल के अंदर निकल आते हैं, यहाँ के वातावरण को दूषित कर देते हैं और अतिक्रमित कर देते हैं। हम लोग अपनी शिक्षा को ख़त्म करके एक व्यापार को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग आगे व्यापारी बनेंगे, बट चिन्हट की व्यापार बहुत पुराना है और यहाँ पर व्यापारियों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि जो बाहर से ग्राहक आ रहे हैं, लखनऊ के बाहर के लोग आज चिन्हट के आसपास बढ़ रहे हैं, जैसे बीबीडी टाटा इन सब इंडस्ट्रियल एरिया के लोग आ रहे हैं, और चिन्हट के आसपास बढ़ते हुए लोगों के कारण जो भी क्राउड इकट्ठा हो रहा है वो नियर की बाज़ार आता है। चिन्हट यहाँ की राशन, सब्जी, गल्ला, कपड़ा, बर्तन, ज्वेलरी, मूलभूत सुविधाओं का बहुत ही पुराना वो बाज़ार है। तो हम लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बाहरी लोग आते हैं उनके यातायात साधन के लिए प्रॉब्लम होती है। जब कस्टमर को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हम लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितना अच्छा कस्टमर के प्रति व्यवहार कर ले, अच्छी सुविधाएं दे दें, बट आदमी चाहता है कि हम जाएं तो हमको सुविधाएं मिलें। आप समझिए कि कोई बाहरी व्यापारी आएगा, बाहरी कस्टमर आएगा तो किस तरीके से वो यहाँ पर परेशान होकर जाएगा। हम पुराने लोग अपने व्यापार को बहुत मेहनत से आज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम युवा हैं, हमें रोज़गार चाहिए, हम लोग अपने रोज़गार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी कुछ सरकार से मदद चाहिए। हमारे साथी राजेश यादव जी हैं, ये भी बहुत
जुझारू व्यक्ति, इनका अपना मेडिकल स्टोर है, ये भी कहीं से उठे थे इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी जगह बदल के चिन्हट में थोड़ी सी आगे बढ़ के इन्होंने जगह बनाई कि इनका व्यापार डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इनका मेडिकल का काम है, उसी तरीके से मेरा ये बर्तन का काम है, इसी तरीके से इनका ये किराने का काम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकार की उन छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो मेरा आपके चैनल GMD खबर से ये एक निवेदन है कि हम सभी व्यापारीगणों की इन छोटी छोटी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाएं और हम लोगों को उन सुविधाओं से मुहैया कराएं कि हमारे व्यापार को आगे गति मिले और हम सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सारी चीज़ों को, जैसे जो भी टैक्स पेयर हैं, जो भी सिस्टम है, हम लोग जब व्यापार बढ़ेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखा आपने कि इतनी छोटी सी जगह में कितना ट्रैफिक लग जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी सकरे रास्ते हैं, इतने पतले रास्ते होने के बाद भी यहाँ पर भारी वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर व्यापारियों के व्यापार पर पड़ रहा है। इतनी भीड़भाड़ हो जाने के वजह से यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आ पाते हैं, कस्टमर को असुविधा होती है, जिसके वजह से इनका व्यापार धीरे धीरे ठप हो जाता है। इनकी मांग यही है कि हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए कि हमें भी सरकार से थोड़ी मदद मिले कि हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएं। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, GMD खबर, लखनऊ।